बिहार में कोरोना टेस्ट जांच कराने में आ रहे हैं लगभग 9000 रुपए के खर्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक बता डाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार के कारनामे आंकड़ों की जुबानी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से वैन किराए पर ली गई है। प्रतिदिन का किराया 6 लाख रुपए से है। उस हिसाब से 13 दिन का कुल किराया 78 लाख रुपए आया है और इस दौरान कुल 13 दिन में 13,550 सैंपल जुटाए गए हैं। ऐसे में 13 दिन में कुल 908 जांच रिपोर्ट दी गई है। ऐसे में कोरोना टेस्ट की औसतन कीमत 8,590 रुपए आ रही है, यानी कि 8,590 रुपए के हिसाब से 908 कोरोना जांच पर सरकार ने 78 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं। तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों को लिखते हुए कहा कि अब आप कल्पना करिए कि नीतीश कुमार कैसे कोरोना के नाम पर दोनों हाथों से बिहार को लूट रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिहार को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब बिहार में भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं।